फाइनल जो बन गया है, सिग्नेचर हो गया है अनुभव प्रमाण पत्र पर, उसका हम प्रारूप लेके आए हैं, वो हम। नमस्कार, सलाम, आदाब, साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम के टीम में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप प्रधान शिक्षक ऑनलाइन के लिए अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। फाइनल निर्गत हो चुका है, इसी प्रोसेस से आपको बनाना है या अलग बनाना है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग प्रोसेस रहेगा कि क्या रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर फाइनल जो बन गया है, सिग्नेचर हो गया है अनुभव प्रमाण पत्र पर, उसका हम प्रारूप लेके आए हैं, वो हम दिखाएंगे आपको, आप कैसे बनाएंगे, या फिर अलग अलग जिले का अलग अलग फॉर्मेट होगा, पूरी बात करेंगे हम, पूरा डिस्कशन होगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, प्रधान शिक्षक के पद पर आवेदन हेतु, यहाँ पे भरने का है नाम, शिक्षक के पिता का नाम, विद्यालय का नाम, नियुक्ति तिथि, मतलब जब आपको लेटर मिला है, विषय जो भी आपका पद, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक जो भी है वो लिखिएगा, दिनांक इतना से, मतलब जो डेट से योगदान किए हैं, दिनांक इतना तक कार्यरत है, कुल अवधि जितना हो रहा है अब घटा लीजिएगा, मतलब जोड़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट का प्रारूप क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे साथी अलग अलग फॉर्मेट बनाए हुए थे, जो कि हम भी वीडियो में बताए थे, इन फाइनल जो है इस फॉर्मेट में क्या हो गया है, सर्टिफिकेट इशू हो गया है, तो क्या डीओ का साइन हुआ है या डीपीओ का हुआ है या फिर इससे अलग होगा, पूरी जानकारी हम देंगे। तो वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, आपसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। चलते इसको ऊपर कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर पूरा तो भरा हुआ आप देख ही लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, प्रधान अध्यापक या प्रभारी प्रधान अध्यापक का हस्ताक्षर, इसका हम फॉर्मेट भी दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट में ही लिंक दे देंगे, ठीक ना, कमेंट करके बताएं आपको जिसको ज़रूरत है। मतलब ये फॉर्मेट इस तरह का है, यहाँ पे हेडमास्टर का साइन और यहाँ पे जो भी नियोजन इकाई है, जैसे कि प्रखंड है या नगर पंचायत है या नगर निगम है या फिर आपका पंचायत नियोजन इकाई है, उनका यहाँ कॉलम है। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी का, बहुत सारे साथी जो है हम भी वीडियो में बताए थे, क्योंकि पहले वही जानकारी थी कि डीपीओ के द्वारा ही होगा, लेकिन देखिए नियमावली में जो लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में जो लिखा है प्रधान शिक्षक के लिए, तो वहाँ पे लिखा है जिला शिक्षा पदाधिकारी, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ही होगा। हो सकता है कि अलग किसी जिला में डीपीओ साहब निर्गत कर दे रहे हैं, तो वो दिक्कत की बात नहीं है, ऑफिस से निर्गत कर रहे हैं तो वो वैलिड ही होगा, लेकिन ये फॉर्मेट रहेगा, ये फॉर्मेट भर करके हेडमास्टर से साइन करा करके आपका नियोजन इकाई का जो सचिव है उसे साइन करा लीजिएगा, और यहाँ पर फिर आपका फाइनल निर्गत हो गया है। देखिए यहाँ पर ये वैलिड हो गया, लेकिन कुछ फॉर्मेट ऐसे भी आया है कि यहाँ पर HM का सिग्नेचर, फिर यहाँ पे BO साहब का, फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी का, तो वो सही है कि क्या है वो हम देख लेते हैं। इससे पहले एक लेटर निकला है, वो लेटर को भी समझ लेते हैं, स्पष्ट आपको जानकारी देंगे, किसी तरह का कोई संशय नहीं रहेगा। यह हम सर्टिफिकेट लेके इसलिए आए हैं यहाँ पर कि ताकि आप समझ लें कि हाँ ये फाइनल बन चुका है इस प्रोसेस से। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, यहाँ पर पत्र तो देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है, लेकिन आपके ज़िले में हो सकता है कि अलग फॉर्मेट बना हो, अगर जिला के द्वारा अलग फॉर्मेट बनाया गया है तो इसमें बनेगा, कि नहीं बनाया गया है तो इस तरह का बनेगा। लेकिन इस पत्र में क्या किया गया है, कहा गया है, सुरकोड़े हम पढ़ लेते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन 25/2024, मतलब प्रधान शिक्षक वाला, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु कंडिका 3 में अनिवार्य अर्हता निर्धारित की गई है। कोई भी शिक्षक आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में, मतलब सरकारी स्कूल में 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। कब तक होना चाहिए, 1/8/2024 तक, या फिर 58 वर्ष उम्र या उससे कम, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय के, और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रहा है, विद्यालय के संबंधित को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब यहाँ पे है क्या, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के संबंधित कौन जो भी आवेदन करना चाहते हैं, को निर्देश दिया जाता है कि अनुभव प्रमाण पत्र अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के माध्यम से, मतलब हेडमास्टर के माध्यम से, प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा करेंगे, मतलब कहाँ करेंगे जमा, BRC में करेंगे, संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, या लिखा हुआ साफ साफ पर, संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों के वेतन भुगतान आदि की जाँच करते हुए कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या होगा कि HM साइन कर लेंगे, उसके बाद BRC में जमा होगा, BRC में BO साहब साइन करते, वेतन संबंधी जांच करके साइन करते आगे फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन बहुत जगह अलग लेटर निकला है तो उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मेट आएगा हम वो दिखा देते हैं, आप समझ भी गए होंगे क्या करना है। HM का साइन करने के बाद BO साहब के वहाँ जमा होगा, BRC में, वहाँ पर
हस्ताक्षर होने के बाद आगे बढ़ेगा। तो फॉर्मेट क्या रहेगा वो देख लेते हैं। फॉर्मेट का प्रारूप है ये देख लीजिए, सब चीज़ है यहाँ पर, जिस तरह भरने का था वो तो है ही। अब नीचे देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या बताया गया था कि हिमाचल साइन करा करके BRC में जा करना है, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या फिर लिखा हुआ जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। तो यहाँ पर एक समस्या ये आता है, ये फॉर्मेट में ही बनेगा लेकिन जो हमारे BRC हैं वहाँ से कुल बताया गया था कि आप क्या करेंगे, यहाँ हेडमास्टर और जिला शिक्षा पदाधिकारी का ही कॉलम रखें, सिर्फ BO साहब जो है काउंटर साइन करेंगे, मतलब इसका कॉलम नहीं रहेगा। तो अभी सही है, मतलब जहाँ जिस तरह का प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे DPO या DO साहब के द्वारा क्या हो गया, परपत्र फॉर्मेट ही प्रारूप ही निकाल दिया गया है, तो उस तरह से आप बना सकते हैं या फिर ये फॉर्मेट में बना सकते हैं। अब बोलेंगे कि सर आपका जो लेटर पर है उसके आधार पर कौन सा फॉर्मेट में आप बनाने जा रहे हैं, तो अभी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंज करने के लिए बोला था तो हम चेंज कर चुके हैं। तो ये फॉर्मेट देख लीजिए, अनुभव प्रमाण पत्र का यहाँ पर सेम वही है, सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, प्रभारी प्रधानाध्यापक और जिला शिक्षा पदाधिकारी का है, इसी में भर के हम लोग जमा दिए हैं। उसके बाद प्रधान अध्यापक साइन करके जमा कर दिया गया है BRC में काउंटर साइन होगा। आपके यहाँ जिस तरह का फॉर्मेट मांगा जा रहा है आप स्पष्ट BRC में जाके एक बार पता भी कर ले सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है और जो बन चुका है वो तो हम आपको दिखाएगी और एक बार दिखा देते हैं। जी कोई साथी कमेंट कर सकते, सर सेम ही जिला है लेकिन यहाँ पर प्रधानाध्यापक नियोजन इकाई का था, तब यहाँ देखिए जब भी DO साहब निर्गत करेंगे तो संबंधित का क्या होना चाहिए, प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए, मतलब हेड मास्टर हो गया, नियोजन इकाई हो गया, उसके बाद वो कर सकते हैं। लेकिन फिर अभी नया लेटर निकला है कि हेड मास्टर करेंगे फिर BO साहब करेंगे फिर DO साहब करेंगे, तो अभी चलेगा, लेकिन जहाँ जिस तरह परिस्थिति है, मतलब जहाँ जिस तरह का आदेश आया है उस तरह से कीजिए, सब वैलिड है। कहने का मतलब ये कि हम कुछ करेंगे तो हमसे निचले जो अधिकारी हैं, निचले जो ऑफिसर हैं, उनका भी हम साइन अब कभी देखते होंगे, कोई भी जैसे यहाँ पर कौन की है DO साहब के, उससे पहले उसको कलर का साइन है। तो उसी तरह यहाँ पर निम्न हुआ, स्कूल से हुआ, स्कूल से नियोजन, या फिर लेटर निकला है कि स्कूल से करने के बाद फिर BO साहब करेंगे, तो उसी तरह होगा। तो आप हड़बड़ ना करें, जो प्रोसेस हम बताएं ये देख लीजिए, आप कॉमेंट करके बताएं कौन सा PDF आपको चाहिए, इससे पहले एक बार आप जा करके BRC संपर्क करें, इसलिए कि आपके वहाँ हो सकता है कि अलग फॉर्मेट बनाया गया हो। बहुत सारे जिला का हम लेटर देखे हैं कि अलग फॉर्मेट बनाया गया वहाँ का, तो जहाँ का जिस तरह का फॉर्मेट अगर बनाया गया, देखिए कंटेंट तो सब सेम रहेगा लेकिन लिखने का शैली अलग है, तो जहाँ जो मान के चलिए दूसरा फॉर्मेट में भर के आप दे दीजिएगा तो फिर आपको परेशानी होगी, आपका नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, अब तो वीडियो को लाइक करें, लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए, आपको प्रधान शिक्षक से रिलेटेड और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।